आइए शुरू करते हैं आज डैनियल कानमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। इस समरी में आपको बेस्ट सेलर बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में से लिए गए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडियाज मिलेंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इन्हें इकोनॉमी में क्यों नोबेल प्राइज मिला, जबकि ये तो साइकोलॉजिस्ट है? अगर हाँ तो आगे सुनते रहिए। इससे पहले कि हम इस समरी को शुरू करें, यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। ह्यूरिस्टिक्स जो वर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरी समरी में, तो हमें सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। हालांकि बोलने में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ह्यूरिस्टिक्स वो रूल्स और मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो लोग किसी इन्फॉर्मेशन को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई सेट ऑफ प्रिजम्पशन जिससे सही ढंग से प्रिडिक्शन की जा सके। तो इस किताब को पढ़ करके जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया यहाँ पर आपको पता चलेगा वो ये है कि ह्यूमन ब्रेन दो मोड्स में काम करता है। पहला वाला है फास्ट इंट्यूटिव मगर कभी कभी इरेशनल मोड, यानी कि बिना सोचे समझे काम करता है, बस रिएक्ट कर देता है। दूसरी तरफ जो दूसरा वाला मोड है वो है रैशनल, स्लो, कैलकुलेटिव और सोच समझ करके काम करने वाला। तो इस किताब का पॉइंट ये नहीं है कि हम दोनों मोड्स में से एक मोड की तारीफ करें और दूसरे की बुराई करें, बल्कि यहाँ पर हमारा गोल ये है कि दोनों मोड्स के गुड और बैड साइड्स को अच्छे से समझा जाए। तो चलिए सबसे पहले रैशनल साइड से शुरू करते हैं। अब हम में से ना यहाँ पर कई लोग कह सकते हैं कि रैशनल साइड यानी कि हमारा जो सोच विचार करके एक्शन लेने वाला ब्रेन का जो फंक्शन है वो हमेशा इंट्यूटिव साइड यानी कि रिएक्टिव माइंड से सुपीरियर है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, वैसे इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, पर अभी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्यूटिव साइड यानी कि फास्ट माइंड रोज की लाइफ में हमारी एनर्जी को सेव करता है, जैसे कुछ ऐसी रूटीन सिचुएशंस जहां पर हमें स्लो और कैलकुलेटिव मोड ऑफ फंक्शनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक लाइफ में ऐसे भी मौके होते हैं जब हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में तसल्ली से बैठ करके सोचना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपना रैशनल माइंड यानी कि स्लो माइंड जो सोच विचार करके एक्शन लेता है उसको इस्तेमाल करते हैं। फाइनली ये रैशनल यानी कि स्लो माइंड और इंट्यूटिव यानी कि फास्ट माइंड ये सब आपस में दुश्मन नहीं है, अक्सर जब ये मिलकर के काम करते हैं। अब जैसे कि फास्ट इंट्यूटिव सिस्टम की मदद से रॉ डेटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मगर उसके बाद हमारे ब्रेन का ज्यादा केयरफुल और स्लो साइड अपना काम करना शुरू कर देता है। तो हम इस समरी में ह्यूरिस्टिक्स और बायस्ड यानी कि एक तरफा सोच जो होती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि ह्यूरिस्टिक्स कुछ रूल्स का ग्रुप होता है, यानी कि एक तरीके से हमारे माइंड की वो सब हैबिट्स जिसकी वजह से हम बहुत सी सिचुएशन में बिना कुछ सोचे समझे एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लेते हैं जैसे कि ब्रश करना, शूज पहनना, साइकिल चलाना, और इसकी वजह से हमारी एनर्जी कम खर्च होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इससे हमें फायदा ही हो, कई बार हम इन ह्यूरिस्टिक्स पर डिपेंड होकर सिली मिस्टेक्स यानी कि छोटी छोटी मिस्टेक्स भी कर लेते हैं। तो ये किताब आपको ऐसी सिचुएशन को समझने में मदद करेगी जब हमारे यूजुअल प्रिजम्पशन काम नहीं करते, यानी फास्ट माइंड गलती कर देता है, और जब हमें और भी स्लो और गहरी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। तो आइए इसे समझते हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है एंकरिंग। ये एक टाइप का ह्यूरिस्टिक है जो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई हमसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ने जेल में 30 साल से कम गुजारे थे या ज्यादा, तो हो सकता है कि आप कहें मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर कोई उसके तुरंत बाद आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे, तो आप जरूर 30 के आसपास का टाइम लिखेंगे, क्योंकि जो पहला सवाल आपसे पूछा गया था उसके बेस पर आप इस जवाब पर पहुंचे। अब होता ये है कि जब एंकर्स रैंडमली सेट नहीं होते तो हर चीज सही काम करती है। नेल्सन मंडेला वाले एग्जांपल में एंकर रैंडमली सेट नहीं था क्योंकि मंडेला ने 30 साल जेल में काटे थे। इस तरीके से एंकरिंग आपको बेस्ट एस्टिमेशन का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। तो अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं जहां पर ये एंकरिंग ह्यूरिस्टिक आपके खिलाफ यूज की गई हो। कुछ लोग पॉन शॉप्स यानी कि ऐसी दुकानें जहां पर पुराने सामान बिकते हैं वहां जाकर के अपना कुछ पर्सनल सामान काफी कॉस्टली बता करके बेचने की कोशिश करता है, जैसे कि स्टीव ये हमेशा करते थे और कई बार तो काफी सारा पैसा घर लेकर आते थे। हालांकि इस बार वो एक ऐसी शॉप में गए जिसका ओनर बड़ा ही लालची टाइप का था, चालबाजी में एकदम जीनियस। तो स्टीव बेचने के लिए मामूली सामान लेकर के गए थे, जैसा सामान अक्सर हम अपने घर की छत पर रखते हैं, एक छोटा सा सोल्जर का स्टैचू जो देखने में काफी अच्छा था, और स्टीव को लगा कि शायद उसे इसके बदले कुछ डॉलर तो मिल ही जाएंगे। तो वो ये स्टैचू लेकर के पॉन शॉप पे गया और उसका दाम लगाने लगा, और अचानक दुकान वाले ने उससे पूछ लिया, तुम्हें क्या लगता है कि इस स्टैचू के तुम्हें $25 से ज्यादा मिलेंगे या कम? इस सवाल ने स्टीव को चकरा दिया
उसने मजाकी अंदाज में कहा कि इसकी कीमत तो $25 से कहीं ज्यादा है। दुकानदार ने उसके जवाब पर ध्यान नहीं दिया और फिर पूछा, तुम्हें इस छोटे से टॉय के कितने पैसे चाहिए? स्टीव फिर अटक गया, लेकिन उसने धीरे से $30 जैसा कुछ कहा और दुकान वाले ने बिना किसी बार्गेनिंग के उसे पैसे दे दिए। उसकी इस हरकत पे स्टीव को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर उसने पैसे ले लिए और शॉप से बाहर निकल गया। अब अगले दिन उसने उस दुकान में वही टॉय देखा जिस पर $200 का प्राइस लिखा हुआ था। तो यहाँ पर ये बात साफ हो गई थी कि उस दुकान वाले ने उसे उल्लू बनाया था कि उस टॉय का प्राइस $25 है। और इस तरीके से उस धोखेबाज एंकर ने लास्ट में स्टीव को बुद्धू बना ही दिया। तो ये तो रही एंकरिंग की बात, और अगले कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता की। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप इसके बारे में सोच सकते हैं तो ये इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए किसी भी दूसरे ह्यूरिस्टिक की तरह जिस पर फास्ट सिस्टम टिका है। ज्यादातर ह्यूरिस्टिक ऑफ अवेलेबिलिटी बड़ा यूजफुल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जब कोई आपसे पूछे यूरोप की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, आप शायद जल्दी से जवाब देंगे लंदन। इसलिए नहीं कि आपको श्योर है कि यही सबसे बड़ा शहर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आया और आपका जवाब सही जवाब के काफी नजदीक था, क्योंकि लंदन यूरोप में मॉस्को के बाद दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। तो इस सिचुएशन में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक आपके फेवर में काम करती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई एग्जांपल मिलेंगे जहां इस ह्यूरिस्टिक ने लोगों को चक्कर में डाल दिया, जिसकी वजह से उनके कंक्लूजन अननेसेसरी और इरेशनल निकले। जैसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा शॉकिंग और मीडिया कवर्ड इवेंट्स बड़े बड़े प्लेन क्रैशेस ही है। तो इस तरह की बड़ी दर्दनाक घटनाओं के बाद कई दिनों तक न्यूज में इसकी रिपोर्ट्स आती रहती है, और जब आप लोगों से कार क्रैशेस या प्लेन क्रैशेस की पॉसिबिलिटी पूछेंगे, खास करके उनसे जो दिन रात न्यूज और रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो लोग प्लेन क्रैश के कंपेयर में कार क्रैश को बहुत कम बताएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में दिन रात न्यूज में देखी हुई प्लेन क्रैश की इमेजेस होती है, इसीलिए उन्हें लगता है कि प्लेन ज्यादा क्रैश होते हैं, बल्कि इसके रियल में कार क्रैशेस की घटनाएं कॉमन है और ज्यादा दर्दनाक भी होती है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। हम सबको पता है कि शार्क बहुत डेंजरस होती है। अगर हम स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी शार्क को देखकर के शार्क्स के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट को नेगलेक्ट कर भी दे, तो भी लोगों की ह्यूरिस्टिक ऑफ अवेलेबिलिटी का एग्जांपल इस बात से दे सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को शार्क बाकी एनिमल से ज्यादा डेडली लगती है। जी हाँ, हम में से बहुत से लोगों की शार्क के अटैक को लेकर के गलत थिंकिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमने इसे बड़े ड्रामेटिक ग्राफिक्स खतरनाक रूप में देखा है, जिसे कई न्यूज एजेंसीज बड़े फोर्स्ड तरीके से पेश करती है, क्योंकि ऐसी न्यूज ज्यादा लोग देखते हैं, जिसकी वजह से शार्क अटैक की एक खतरनाक पिक्चर हमारे माइंड में बन जाती है। और यही वजह है कि हम शार्क अटैक को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि शार्क अटैक से ज्यादा लोगों की मौत होती है, लेकिन रियल में प्लेन से गिरकर मरने के चांसेस ज्यादा है। तो ये तो रही उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी की बात, और अब आगे बात करते हैं संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में। जी हाँ, इसका सिंपल सा मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लोग किसी बेकार के एसेट में यानी कि बेकार की संपत्ति में बार बार इन्वेस्ट करते रहते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि उनकी पहली इन्वेस्टमेंट इरेशनल थी, और हर बार फिर से एक और इन्वेस्टमेंट करना उनकी बेवकूफी है। हालांकि बड़े समझदार लोग भी कई बार ऐसा करते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे वो खुद को रिग्रेट की फीलिंग से बाहर निकाल रहे हैं, या फिर उसे गलती मानने से इनकार कर देते हैं। बेशक ऐसा करने से उनकी ईगो बनी रहती है और खुद पर एक झूठा यकीन भी। चलिए, ये झूठा यकीन तो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज है जिसे द कॉनकॉर्ड फैलेसी कहते हैं। मतलब ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन जो रेवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ एयरप्लेन के दौरान हुए थे। कॉनकॉर्ड जो यूके और फ्रेंच गवर्नमेंट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, दोनों गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टिगेटिंग जारी रखी, ये जानते हुए कि इसकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नल है, जीरो है, और कोई भी इन कॉनकॉर्ड एयरप्लेन को अनसेफ होने की वजह से यूज नहीं करना चाहेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ही काफी बड़ी रकम खर्च हुई थी, फिर भी हाई ऑफिशियल के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था, और ना ही वे इस प्रोजेक्ट को बंद करने को तैयार थे, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में और इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को डुबाते गए। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्रेमिंग के बारे में। फ्रेमिंग जो है ना, वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का ह्यूरिस्टिक और बायस्ड है, जिसे मीडिया और न्यूज एजेंसीज वाले बड़ा चढ़ा करके यूज करते हैं। फ्रेमिंग का बेस्ट एग्जांपल है जब हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, ताकि जो हमें चाहिए उसी चीज पर ऑडियंस को फोकस करने में मजबूर कर सके। जिस एग्जांपल के लिए नीचे दिए गए दो एकदम मिलते जुलते सवालों पर लोग डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। पहला सवाल, क्या आप ऐसे मेडिकल प्रोसीजर को हाँ बोलेंगे जिसमें सर्वाइवल के 90% चांसेस हो? दूसरा,
क्या आप ऐसे मेडिकल प्रोसीजर को हाँ बोलेंगे जिसमें डेथ होने के 10% चांसेस हो? जब हम सेम क्वेश्चन को फर्स्ट तरीके से पूछते हैं तो हम सुनने वाले को इसके गुड साइड पर फोकस कराते हैं। इसीलिए जब हम लोगों से पूछते हैं क्या वो ऐसा ऑप्शन चाहेंगे जिसमें बचने के 90% चांसेस हो, तो ज्यादा लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे वाले क्वेश्चन में हम बैड साइड यानी कि डेथ की रेट पर जोर देते हुए सवाल पूछते हैं, तो इस तरीके से लोग इसके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करने लगते हैं और इस बात के ज्यादा चांसेस है कि वो ऑपरेशन को रिजेक्ट कर दे। तो इन शॉर्ट कहे तो हमारे सवाल पूछने का जो तरीका है वो बहुत मायने रखता है और आंसर को भी चेंज कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्रिस को पार्टीज में जाना बड़ा पसंद है, लेकिन वो ऐसे ही हर किसी की पार्टी में जाने से कतराता है क्योंकि उसे पार्टी का पूरा मजा चाहिए। इसीलिए उसके दोस्तों को बड़ी मुश्किल होती है उसे हर जगह अपने साथ ले जाने में, लेकिन फिर उन्हें इसका एक सलूशन मिला। वे उसे क्लब में साथ चलने के लिए बोलते थे और उसके सामने डिस्कस करते थे कि लास्ट टाइम ना इस क्लब में उन्हें कितना मजा आया था। वे कभी भी क्रिस को उनके साथ हुए बुरे एक्सपीरियंस नहीं बताते थे और क्रिस भी इससे काफी इम्प्रेस होता था। अब एक और एग्जांपल है, शायद पहले वाले से ज्यादा इम्पोर्टेंट। जिस तरीके से हमें न्यूज दिखाई जाती है, ऑब्वियस है कि उसका मकसद यही है कि हम पर उस न्यूज का पूरा असर पड़े। अब जैसे कि किसी टाउन में कोई रेस्क्यू मिशन चलाया गया जो अच्छी तरह निपट गया, टाउन के ज्यादातर लोग बचा लिए गए, हालांकि कुछ लोग टेररिस्ट के हाथों मारे भी गए। अब हमारे पास दो तरीके हैं इस न्यूज को फैलाने के। अगर हम रेस्क्यू टीम की तारीफ करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से कहेंगे, टाउन को बचा लिया गया, रेस्क्यू टीम ने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस मिशन की बेइज्जती करना चाहेंगे तो बिना झूठ बोले कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या हम मासूम लोगों की मौत से किसी की जान बचा सकते हैं? एक फेल्ड रेस्क्यू मिशन में 50 से ज्यादा सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई। अब इसमें कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि अगर कुछ सिविलियंस की जान गई है तो मिशन 100% सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। फैक्ट्स के सिलेक्शन और थोड़ा कुछ बड़ा चढ़ा करके बोलने का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगली बार जब आप न्यूज देखें तो ये बातें दिमाग में रखें कि फैक्ट्स को डिफरेंट फॉर्म में लपेट करके पेश किया जा सकता है। उन्हें प्लानिंग के साथ चुन चुन कर न्यूज एजेंसीज आपके सामने इस तरीके से रखती है ताकि वो जो मैसेज देना चाहे आप तक पहुंचे। न्यूज और मार्केटिंग एजेंसीज बड़ी चालाकी से मोरल और जुडिशरी नॉर्म्स को ताक पर रखते हुए अपना काम करती है। एक तरफ तो वो कह सकते हैं कि हम सच बताते हैं, मगर दूसरी तरफ वो वही फैक्ट्स जनता को दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, ताकि लोगों पर उनके मैसेज का ज्यादा से ज्यादा असर पड़े। तो अगली बार जब भी आप न्यूज पढ़े या सुने तो इस बात को जरूर दिमाग में रखिएगा। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं जो है ऑप्टिमिज्म एंड लॉस ऑफ एवर्जन यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। हम पहले ही संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं जो अनरीजनेबल ऑप्टिमिज्म और लॉस ऑफ एवर्जन से क्लोजली जुड़ा हुआ है। कम शब्दों में अगर बड़ी बात कहें तो कोई भी बिजनेस या कमर्शियल शुरुआत की प्लानिंग में अक्सर थोड़े से फैक्टर्स को ही माइंड में रखते हैं, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसा कि हमने ये पहले बताया है कि संक कॉस्ट फैलेसी और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों बहुत क्लोज फिनोमेना है। चलिए एक बार फिर से कॉन्कॉर्ड एग्जाम्पल यूज करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये बेनिफिशियल इवेंट्स को ओवर एस्टिमेट करता है और बुरे इवेंट्स बैड इवेंट्स को अंडर एस्टिमेट। ये पॉसिबल है कि संक कॉस्ट फैलेसी मिस्टेक से पहले कॉन्कॉर्ड के डिजाइनर्स ने यही मिस्टेक की होगी। एग्जाम्पल के लिए ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि कॉन्कॉर्ड के डिजाइनर्स एक नए प्लेन के बनने की पॉसिबिलिटी से कुछ ज्यादा ही खुश हो गए होंगे। ये एक्सेप्शनली फास्ट था और ये आपको कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता था। ये लग्जूरियस था, ये साउंड की डबल स्पीड पर चल सकता था, वगैरह वगैरह। वहीं दूसरी तरफ इसमें बैड इवेंट्स की पॉसिबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया गया था, जैसे कि सेफ्टी इश्यूज और अमाउंट ऑफ डिमांड को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया था, जो कि इसके फेल होने का बहुत बड़ा रीजन थी। और इसके बावजूद अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की गलती एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने एक और बड़ी मिस्टेक की इस ऑलरेडी फेल्ड प्रोजेक्ट में फिर से इन्वेस्ट करके। राइट, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अफेक्टिव फोरकास्टिंग के बारे में। अफेक्टिव फोरकास्टिंग एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। सिंपल तरीके से कहे तो ये तब होता है जब हम फीलिंग के बेस पर फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। हालांकि ये प्रिडिक्शन करते टाइम हम कई तरीके की मिस्टेक करते हैं, तो आइए जानते हैं कि हम किस किस टाइप की गलतियां करते हैं। पहली मिस्टेक है इम्पैक्ट बायस, मतलब ये कि वेकेशन की प्लानिंग करते टाइम इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जा सकता है। काम से ब्रेक लेकर के एक वेल डिजर्व्ड वेकेशन पे जाने की खुशी ही कुछ और होती है। एक तो हमारे दिमाग में एक बढ़िया वेकेशन की इमेज होती है और दूसरा ये भी कि हमें इस बात की खुशी होती है कि चलो इस बहाने कुछ टाइम तो काम से ब्रेक तो मिलेगा।
तो हम उस खुशी को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं जो हमें मिलने वाली है। तो यही हमारे डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा और एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीदों के पूरा ना होने की सबसे बड़ी वजह है। ये सो कॉल्ड पेरिस सिंड्रोम या पारी शोकोगुन जो कि जापानीज टूरिस्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, जो खास तौर पर देखा जा सकता है। उन्हें फ्रांस में अपनी वेकेशन से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि कई बार इन एक्सपेक्टेशन का पूरा होना इम्पॉसिबल होता है, जिसके चलते कुछ जापानीज टूरिस्ट डिप्रेशन, डिजीनेस, स्वेटिंग या वॉमिटिंग तक फील करने लगते हैं। बेशक वे लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, कई कई घंटों तक काम करते रहते हैं, ये सोच करके कि काम से ब्रेक लेकर के वो एक परफेक्ट वेकेशन पर जाएंगे जो वो डिजर्व करते हैं, लेकिन अपने सिटी ऑफ लाइट में परफेक्शन वेकेशन का सपना लेकर के जब वो जाते हैं तो उन्हें मिलती है गंदी सड़कें, खराब वेदर, महंगी चीजें वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से उनका परफेक्ट वेकेशन की खुशी वाला जो फील होता है ना, वो टोटल डिप्रेशन में बदल जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की, जो है इम्यून नेग्लेक्ट। ये इम्पैक्ट बायस की दूसरी साइड है। इसे साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जा सकता है। टर्म नेग्लेक्ट को इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि अक्सर लोग अपने इम्यून सिस्टम की इस टेंडेंसी से बेखबर होते हैं कि ये फ्यूचर इमोशनल रिस्पांस को बड़ा कर सकती है। ये देखा गया है कि जो किसी इवेंट के बुरे एस्पेक्ट को बड़ा करके सोचते हैं, उनमें स्ट्रेस का रिस्पांस कम होता है जब उन्हें रियल में ऐसे इवेंट्स को फेस करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि किसी बुरे इवेंट के बारे में सिर्फ बात करने से ही बॉडी अलर्ट हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जब ये रियल इवेंट सच में होते हैं तो लोग पहले से ही अच्छी तरह तैयार होते हैं। इसीलिए जो जजमेंट एक्चुअली में गलत होता है, हमारे साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है और कई बार हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचा लेता है। हम अब एक ऐसी ही सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर होती है, ताकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इजीली समझ में आए। हम सब जानते हैं कि अक्सर कुछ लोग डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं, यहाँ तक कि डेंटिस्ट के क्लिनिक की स्मेल ही इन लोगों में डर पैदा कर देती है। उनके लिए डेंटिस्ट के पास जाना मौत से भी भयानक है। वे बुरी से बुरी सिचुएशन की इमेजिनेशन करते रहते हैं, क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया तो, अगर डेंटिस्ट से कोई गलती हो जाए तो। उनकी ना ये अगर मगर की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन अगर ये लोग हिम्मत जुटा करके डेंटिस्ट के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो डेंटल प्रोसीजर के दौरान उन्हें फील होता है कि वो तो बेकार में इतना डर रहे थे, एक छोटी सी चीज पर ओवर रिएक्ट कर रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि उनकी उम्मीदों के हिसाब से तो भाई उनके साथ तो कुछ बहुत ही बुरा होना था और ये वो मानकर चल रहे थे। उनके साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम ने उनकी बॉडी को किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट के लिए पहले ही तैयार कर दिया था। इसी के साथ फोकलिज्म भी एक और तरीका है जिसमें लोग फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करते टाइम मिस्टेक करते हैं। फोकलिज्म तब होता है जब कोई इंसान किसी इवेंट की स्पेसिफिक डिटेल पर इतना ज्यादा फोकस करता है कि ये डिटेल्स बाकी एस्पेक्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाती है। ये ऐसी सिचुएशन में देखा जा सकता है जब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहां मूव किया जाए, कैलिफोर्निया या मिडवेस्ट। बहुत से लोग सिर्फ वेदर डिफरेंसेस पर ही फोकस करते हैं और एक बस इसी फैक्टर पर स्टिक रहते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक डिटेल उनके फोकस का सेंटर है और बाकी जरूरी काम की बातें नेग्लेक्ट कर दी जाती है, जैसे कि चीजों की प्राइस या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर आपके पास अब कहानिम की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज, जो कि इस किताब का एक्सट्रैक्ट है और एग्जाम्पल के साथ पेश किया गया है। तो इस किताब से आप कुछ इम्पोर्टेंट बातें सीख सकते हैं। पहली बात ये है कि थिंकिंग एक यूनिफाइड प्रोसेस नहीं है। एटलीस्ट दो डिफरेंट टाइप की थिंकिंग होती है, फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात है, स्लो टाइप की थिंकिंग हाईली रैशनल और कैलकुलेटिव होती है, जिसमें हम ज्यादा टाइम लगाते हैं चीजों को समझने के लिए। ये सारी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करती है और अक्सर ये इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होती। दूसरी बात है स्लो टाइप की थिंकिंग, जो हाईली रैशनल और कैलकुलेटिव होती है, जिसमें हम ज्यादा टाइम लगाते हैं चीजों को समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। ये सारी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करती है और अक्सर ये इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होती। ये वाली थिंकिंग हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें मैथमेटिक्स की कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या फिर अपने फ्यूचर के लाइफ प्लान्स बनाने होते हैं। तीसरी बात है फास्ट थिंकिंग, जो बहुत सी सिचुएशन में अच्छी होती है क्योंकि ये प्रिजम्पशन के हिसाब से एक्ट करती है, जो कि एक तरीके से थोड़ा रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। ये बायसेस हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, मगर ज्यादातर हालात में ये काम करते हैं, इसीलिए ये यूजफुल भी है। फास्ट थिंकिंग ऑटोमेटिक और सबकॉन्शियस होती है और इन फास्ट प्रोसेसेस से अवेयर होना बहुत हार्ड होता है। चौथी बात है, स्लो और फास्ट थिंकिंग एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये दोनों अक्सर साथ में एक्ट करती है। और पांचवी बात है, कुछ न्यूज और मार्केटिंग एजेंसीज आपकी फास्ट थिंकिंग प्रोसेस को पर्पसली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये आपके कॉन्शियस से छुपा हुआ रहता है।
और आगे आखिरी और छठी बात ये है कि जब भी आप कुछ पढ़े, खास करके न्यूज आर्टिकल्स या ऐसी कोई भी चीज, तो सो कॉल्ड फ्रेमिंग से बचकर रहे। कंटेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके क्वेश्चन का तरीका। तो इन्हीं सारी बातों के साथ और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है।